Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So here is Umar ibn Abid, and today our lecture is what is bag formation. So let's move on. What is bag formation? Bag formation आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा. अगर हम इसे इंग्लिश में सिनोनिम के तौर पर देखें तो बैग फॉर्मेशन का मतलब होगा रिडक्शन, और बैग फॉर्मेशन के यानी पहले ही फॉर्मेशन हो जाना. यानी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक चीज़ बनी हुई थी लेकिन आपने उसे रिड्यूस करके एक और नई चीज़ बना दी, तो ये है बैग फॉर्मेशन. डेफिनेशन देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ वर्ड सच एज नाउन मोस्ट प्रॉबेबली ऑफ वर्ब टू अ शॉर्टर फॉर्म इज कॉल्ड बैग फॉर्मेशन. यानी एक हमारे पास नाउन था या एक हमारे पास वर्ब था, तो उसको हमने रिड्यूस किया और उसके रिड्यूस करने से एक नया वर्ड बन गया, तो वो होगा जिस प्रोसेस से वो वर्ड बनेगा उसे हम कहेंगे कि दिस इज़ बैग फॉर्मेशन. तो बैग फॉर्मेशन से होता है क्या? बैग फॉर्मेशन चेंजेस द फंक्शन ऑफ अ वर्ड. और किस तरह फंक्शन चेंज होता है? कि अ नाउन बिकम्स वर्ब और वाइस वर्सा. नाउन वर्ब बन जाएगा या फिर वर्ब नाउन बन जाएगा. मोस्ट प्रॉबेबली नाउन ही वर्ब बनता है बैग फॉर्मेशन में. इसकी हम कुछ अगर एग्जांपल्स देखें, फेमस एग्जांपल्स बड़ी कॉमन सी हैं. टेलीविज़न हमारे पास नाउन था तो उससे हमने बना लिया टेलीवाइज. डोनेशन हमारे पास नाउन है तो उससे हम बना लेते हैं डोनेट. इमोशन नाउन है तो उससे वर्ब बन जाता है इमोट. बेबी सिटर, इससे बन जाता है वर्ब बेबी सिट. ऑप्शन, ऑप्शन से बन जाता है ऑप्ट. आई वॉन्ट टू ऑप्ट समथिंग, आई वॉन्ट टू ऑप्ट दिस थिंग. एक रेगुलर पैटर्न इंग्लिश में पाया जाता है बैग फॉर्मेशन का. तो ये प्रोसेस क्या है कि अ नाउन एंडिंग एट अर और अर, साउंड दोनों सेम ही हैं लेकिन ई आर या ओ आर पे ख़त्म होने वाले अक्सर जो नाउन्स हैं वो वर्ब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम उन्हें रिड्यूस करते हैं उनको. वर्कर के एंड पे ई आर था, ई आर को हमने ख़त्म किया तो वर्क बन गया जो कि वर्ब है. एडिटर के एंड पे ओ आर था तो ओ आर को ख़त्म किया तो एडिट बन गया. पैडलर के एंड पे ई आर था, ख़त्म किया तो पैडल बन गया. राइडर के एंड पे ई आर था, ख़त्म किया तो राइड वर्ब बन गया. स्विमर के एंड पे भी ई आर था, इसे ख़त्म किया तो स्विम बन गया. क्रिएटर के एंड पे ओ आर था, इसे ख़त्म किया तो वर्ब बन गया. तो ये है बैग फॉर्मेशन की एक एग्जांपल और एक ऐसा पैटर्न जो इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है. सो ये था आज का लेक्चर. मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे. तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर आपको पसंद आई है. और आप कोई भी सजेशंस देना चाहें तो आप वो भी ज़रूर दें. सो रिमेंबर इन योर प्रेयर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. जज़ाकअल्लाहु खैरन एंड थैंक यू.